स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में मंगलवार को सिख समाज की ओर से धूमधाम से वैशाखी पर्व मनाया गया। इस दौरान हिंदी का नया साल भी मनाया गया। बताया गया कि इस दिन को खालसा सजना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कमेटी मेंबर अमरजीत सिंह सलूजा ने जानकारी दी कि आज ही के दिन आनंदपुर पंजाब से सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिख समाज के लिए पगड़ी, बाल, कड़ा आदि का रोल लागू किया था। तभी से सभी सिख समाज इन सभी चीजों को धारण किए हुए रहते हैं। वैशाखी के दिन शुरू हुए नियमों को खुशी के रूप में धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। इस पावन दिन के अवसर पर गुरुद्वारे में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 100 लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। मौके पर सिख समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। ठाकुर भी लिखे साहिब के ठाकुर नहीं कोई है रहे आज हम लोगों के सिख समाज की तरफ से नया साल का बैसाखी का महान पर्व मनाया जा रहा है। आज ही के दिन हम लोग नया साल मनाते हैं सभी, और मेरी समझ में सभी हिंदू परिवार भी आज के दिन नया साल मनाते हैं। ये बैसाख का दिन है, बैसाखी महीना मनाया जाता है। आज के दिन हम लोग इसको मनाते हैं खालसा सजना दिवस के नाम से इसको माना जाता है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने हम लोगों को ये पगड़ी, ये केस, ये कंधा और ये कड़ा और कृपाण, ये सब जो हम लोगों को, ये रूप जो हम लोगों का जो बना है, ये रूप आज ही के दिन बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब पंजाब से उन्होंने इसको किया था और पंजाब में लागू किया था, और उस दिन के बाद से आज के दिन ये पर्व हम लोग खुशहाली मनाया जाता है। ये हम लोगों का खालसा सजना दिवस है, मैंने आज के दिन हम लोग खालसा बनाए गए थे, खालसा पर इसलिए आज के दिन बैसाखी मनाया जा रहा है। और बहुत धूमधाम से कीर्तन दरबार लगाया गया है, बाहर से रागी जत्था आया हुआ है, सभी जो है सो सिख संगत जो है सो बहुत धूमधाम से मना रही है और इसका जो है सो कीर्तन का श्रवण कर रही है। और इसी के उपलक्ष्य में आज जो है सो सिख समाज की तरफ से यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का भी फ्री सर्विस जो है जिस तरह से सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, वो वैक्सीन का भी कार्यक्रम लगाया गया है। जिन लोगों ने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाया है, 45 साल के ऊपर के आयु के हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था की गई है और वो लोग यहाँ पर जो है सो वैक्सीन लगा रहे हैं। मेरा अंदाज है कि करीब करीब 100 आदमी जरूर जो है सो इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।